6-7 साल की थी, स्पाइडर्स की लेग्स निकालती। हर इंसान के अंदर शैतान होता है, हम अपने शैतान से रोज लड़ते हैं, जूझते हैं, उन पर काबू पाते हैं। शैतानियाँ सभी करते हैं, लेकिन शैतानी का नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी छोटे से बच्चे की क्यूटनेस की बात हो रही है, लेकिन हम इन दो शैतानों की शैतानियों को आज कन्फेस कराएंगे कन्फेशंस में। स्वागत है आपका राजीव एंड कल्की। हमें अभी से घबराहट शुरू हो गई है। या आई कैन सी दैट। कल्की आप घबरा रही हैं, राजीव तो बोल रहे हैं। बिल्कुल सीधी सादी लड़की हूँ। आई हैव नेवर मेड एनी मिस्टेक्स इन माय लाइफ। ओके, नहीं शैतानी की अगर हम बात करते हैं, ऑलरेडी मैं झूठ बोल रही थी। देखिए सबसे पहले मतलब शैतानी शुरू हो गई कल की, इन्होंने शो की शुरुआत की है झूठ बोलने से। हाँ। तो चलिए आपसे ही शुरुआत करते हैं, कौन कौन सी शैतानी आपने की है? मेरी पहली शैतानी जो मैंने किया, मैं जब 6-7 साल की थी, स्पाइडर्स की लेग्स निकालती थी। वो बड़ी शौक थी मेरी। ओके ओके, तो वो मेरी पहली शैतानी। राजीव आप बताइए कौन कौन सी शैतानी आपने की है? मेरी सारी शैतानियाँ जो की वो कॉलेज में थी शायद। दोस्तों को गोबर का केक बना के खिलाना। ये गोबर के केक की दास्तान मैं एक बार सुन चुकी हूँ, लेकिन इस बार मुझे अपने ऑडियंस को एक बार फिर से बताइए। नहीं मतलब एक्चुअली वही शैतानियाँ थी, तो जितनी बार भी मैं उनके बारे में बात करूंगा तो शैतानियाँ बदलेंगी नहीं। अपने दोस्तों को बर्थडे पे सरप्राइज करना, उनको फ्रेश गोबर उठाना और उसको टिफिन में डालना, उसके परफ्यूम छिड़कना, टैल्कम पाउडर डालना, सब हॉस्टल की, और फिर केक कटवा के कॉलेज में आज भी लड़के इमैच्योर ही रहते हैं ऐसा कहा जाता है। फिर लड़कों को अपने अगेन लड़कियों की चिट्ठी लिख के भेज देना अपने ही रूम पार्टनर्स को कि इस लड़की के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी, और वो लड़के खुश होते थे। मेरे साथ भी लोगों ने किया शैतानियाँ की, मैंने भी की ऐसी शैतानियाँ। अपने रेक्टर के रूम में बॉयज हॉस्टल में लड़कियां अलाउड नहीं होती हैं, तो अपने ही वार्डन के रूम में दो लड़कियों को भेज देना कि रेक्टर बुला रहे हैं, और फिर सारे लड़कों को लेके जाना कमरे के बाहर की, अरे बाप रे रेक्टर के रूम में लड़कियां। तो ये सब शैतानियां की हैं, सब लोग ने की हैं, बट सब हार्मलेस थी, ऐसी कोई भी नहीं थी जो बहुत डिस्ट्रक्टिव नेचर की हो। स्पाइडर्स के लिए और उसके बाद में बोर्डिंग स्कूल में थी, और वहाँ पे अरे यार एक बार मैंने एक लड़की को बाल काट दिया रात में, मैं और मेरी दोस्त, क्योंकि वो मेरे बारे में कुछ गड़बड़ बोली थी, तो मैंने पनिश किया। अब तक उसको मालूम नहीं कि मैंने किया। अब मालूम हो जाएगा नेशनल चैनल पे, आपने कन्फेस कर लिया, अब मालूम हो जाएगा। भारत से नहीं है तो ठीक है। और व्हाट एल्स, और हमने एक बार वाटरमेलन में वोडका इंजेक्ट किया और ऐसे वाटरमेलन खा लिया। अरे वाह, और उसके बाद एडवांस शैतानी, प्रॉपर थॉट ओवर, यू नो, व्हेन यू हैव प्लान्ड एंड थॉट ओवर इट एंड देन इनोवेटिव। आने के बाद कोई आपके फिल्मी दोस्त बने हो जिनके साथ आपने कोई शैतानी की हो, जो मतलब एटलीस्ट याद रह गई हो किसी को फिल्म में? होती रहती है, एक बार बहुत बार किया, साउंड ट्रैक फिल्म शूट कर रहे थे और उसमें
कैमरा रोल नहीं, बहुत सब लोग करते हैं इनफैक्ट, कैमरा रोल नहीं हो रहा था और पूरा का पूरा डायलॉग बुलवाया किसी से डायलॉग बुलवाया बैक में रख के कि आप अच्छा ठीक है उस तरफ आपको आपकी बैक है कैमरे की तरफ और कैमरा हमारा सब चाह चुका था और सामने वो एक्टर बेचारे अपने डायलॉग बोले जा रहे हैं और वहाँ से वो माइक पे बोल रहे हैं कि हाँ वन मोर डोंट लुक बैक वन मोर ऐसे करते करते पूरी यूनिट दूर पीछे जाती गई, वो अकेले वहाँ खड़े होके बड़े इमोशन के साथ डायलॉग बोलते गए। ये सब छोटी मोटी चलानी प्रैंक चलते रहते। चलिए कमिंग बैक टू द फिल्म, मुझे बताइए कि फिल्म का जो एक प्लॉट है वो इस हिसाब से है कि हर इंसान में एक शैतान होता है, तो कितना जस्टिफाई करती है, कल की पहले आप बताइए कि कितना जस्टिफाई करती है इस टाइटल को कि वाकई आप मान गए कि हर इंसान के अंदर एक शैतान कहीं ऑन अ सीरियस नोट। मेरे हिसाब से हर इंसान के अंदर शैतान होता है, हम अपने शैतान से रोज लड़ते हैं, जूझते हैं, उन पर काबू पाते हैं, उनके सामने शिकस्त हो जाती है, हार जाते हैं कभी कभी अपने शैतान से। तो जी हाँ, वो शैतान के रूप अलग अलग होते हैं, वो कभी गुस्से का शैतान, नफरत का शैतान, इनसिक्योरिटी का शैतान, ओवर कॉन्फिडेंस का शैतान, जेलसी का शैतान। तो आई थिंक यस, हम सब के अंदर शैतान छिपा होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस शैतान के सामने हथियार डाल देते हैं, कुछ लोग उस शैतान पर को जीत लेते हैं। तो यस आई थिंक आम इंसान है, शैतान आसपास हमेशा रहेगा। लेकिन कितना सीरियस हो जाता है कभी जब आप सिचुएशन में फंस जाते हैं, अगर वैसी कोई सिचुएशन हुआ तो किस तरह से उसको डील करता है? देखिए डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर इंसान अलग तरीके से डील करता है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो जैसे ही मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि शैतान हावी हो रहा है, मैं उसको वहीं पर खत्म करने की कोशिश करता हूँ। तो और कभी कभी आपको पता भी नहीं चलता कि कोई शैतान हावी हो रहा है, आप समझ में भी नहीं आता आपको, और कई दिनों के बाद या काफी समय के बाद आप आइडेंटिफाई करते हैं कि अरे बाप रे मैं क्यों सोच रहा था ऐसे, या मैं क्यों मेरा एटीट्यूड वैसा था। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके का आपका एटीट्यूड रहता है। कल की आप क्या कहेंगे? हाँ, सब लोग के अंदर एक शैतान है और वो पोटेंशियल है, और इतनी सिंपल है कि जब एक मिस्टेक करते हैं वो अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो वो शैतानी बढ़ जाएगा। तो वो पोटेंशियल हमेशा है, लेकिन जो लोग कंट्रोल कर सकते हैं वो इमीडिएटली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तो यू नो इट्स लाइक अगर इफ यू टेल अ लाई और उसके बाद समझते हैं कि एक मिस्टेक किया और बोलते हैं मैंने झूठ बोला था, और इफ यू डिसाइड टू टेल अनदर लाई टू कवर द लाई और एक झूठ ऐसे बोल के इतना बड़ा हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कौन सी लाई किस चीज के लिए बोला था। शैतान बड़ा होता है। और देन यू हम फंस जाते हैं उसमें, फंस जाते हैं और वापस नहीं जाते। बल्कि आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप अनुराग से ज्यादा वक्त बिताते हैं, तो उनकी एक फिल्म मेकिंग की जो एक सेंसिबिलिटीज है वो मुझे लगता है शायद आप समझ पाते हैं। लेकिन एक बात है कि जितने भी यंग डायरेक्टर्स हैं उनमें से अनुराग का सिनेमा, जैसे मैंने इसलिए कहा, मैंने आपको रोका नहीं इस वक्त, इसलिए मैंने कहा कि उनके सिनेमा में बहुत ज्यादा डार्कनेस दिखती है या जिंदगी का कोई एक पहलू जो कोई शायद नहीं देख पाता होगा, शायद वो वहां तक पहुंच जाते हैं। ऐसा मानती हैं आप? हाँ, मतलब अनुराग का प्रॉब्लम है ये। अनुराग कश्यप हमेशा जो डार्क मटेरियल है, जो भी सब्जेक्ट है जो हम डर लगता है बात करने का या फेस करने के, वो उनका इंटरेस्ट है। उनके फिल्म्स में हमेशा यही टैकल करता है, जो भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है सब्जेक्ट, जो भी थोड़ा डार्क जो भी सबको बात नहीं करना चाहते, सबको मतलब इग्नोर करना चाहते, उसी में घुसता है अनुराग। रियल है, कितना डार्क मानते हैं? डार्क है सिर्फ है क्योंकि हमारा सिनेमा कल्चर ज्यादा लाइट है एक्चुअली, और ज्यादा एस्केपिस्ट है अ लॉट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं। लेकिन ये रियल सिनेमा जो आजकल आ रहा है, हाँ, एक नया मतलब इट्स अ न्यू व्यू ऑफ सिनेमा। और इवन अ फिल्म लाइक उड़ान बिल्कुल डार्क नहीं है, लेकिन डार्क है, लेकिन एक्चुअली सिर्फ रियल है, इट्स अ रियल स्टोरी। और शैतान इज द सेम, तब
ऐसे नहीं है कि द स्टोरीज आर ऑल गोइंग टू बी डार्क एंड डिप्रेसिंग, पर हाँ लाइफ तो डार्क ही है और लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, हमारे बहुत प्रॉब्लम्स है, इंसान के अंदर इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस है साइकोलॉजिकली, और वो दिखाने चाहते हैं. मुझे कि एक तरफ फिल्म की जो प्लॉट है उसमें यंगस्टर्स हैं बहुत सारे, मतलब एक यंग लुक, एक फ्रेश लुक बताने की कोशिश की गई है, उसके बाद फिल्म इंटेंस हो जाती है, विच इज अ वेरी वेरी यू नो अनुराग कश्यप सिनेमा, वन वुड से यू नो द डार्क एजी इंटेंस. सो हाउ वुड यू कैटेगराइज इट राजीव, मतलब आप कह सकते हैं कि इसको यंग फिल्म बोल सकते हैं या इट्स अ वेरी एजी इंटेंस फिल्म है? मैं टुडेज फिल्म है. Okay. वो यंग है, ओल्ड है पता नहीं, लेकिन टुडेज फिल्म है. जो भी देखेंगे चाहे वो माँ बाप हों चाहे वो बच्चे हों, सब रिलेट कर सकेंगे इस फिल्म से, क्योंकि ऐसा होता है, हमारी इर्द गिर्द ऐसी चीजें होती हैं. और फिल्म ऑफकोर्स आई वुडंट से टिपिकल अनुराग कश्यप फिल्म, क्योंकि अनुराग टिपिकल वैसे भी नहीं है, उनकी सब फिल्में एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं. तो अनुराग को ही कैटेगराइज करना कि उनकी फिल्में एक टिपिकल होती हैं, तो वो जहाँ तक रहते हैं, हाँ अनुराग की फिल्में बहुत फ्रेश होती हैं, बहुत डिफरेंट होती हैं, बहुत रिफ्रेशिंग होती हैं. मतलब ट्रीटमेंट हर फिल्म का अलग होता है, चाहे वो आप अगर देव भी देखें या नो स्मोकिंग देखें या पांच देखें या कुछ जो अभी बना रहे हैं वो देखें या शैतान देखें या माइकल उनकी जो फिल्म आने वाली है. इस फिल्म के अंदर कहानी का एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ जबरदस्ती एजी बनाने की कोशिश की गई है या कुछ है. ऑफकोर्स बहुत एजी है, बहुत फास्ट है, बहुत तेज कहानी दौड़ती है, बट आप कहीं डिस्कनेक्ट नहीं होते उस कहानी से. सो या यू कैन रिलेट टू द फिल्म जिस तरह से. कल्कि की जिंदगी में अभी बहुत बड़ा बदलाव आया है, शादी के बाद कितनी बदल गई आपकी जिंदगी? अरे बिल्कुल सेम है, मैं वापस काम पे आई हूँ. हाँ वही तीन ही चार दिन के बाद, मतलब यू आर बैक टू वर्क. हाँ तो एक एक हफ्ते के लिए मैं क्लाउड्स में रहती थी और अभी वापस आ गई रियलिटी में, क्योंकि मुझे रियलिटी इतना पसंद है. लोग शादी के पास बड़ा समय बिता पाते हैं. There is also reason that you all have been living together. That's the reason you thought कि मतलब इतनी जरूरत नहीं है अलग. ऐसे कुछ प्लानिंग नहीं होगा. एक दिन वो मुझे पूछा कि मैरी में, मैंने बोला हाँ. बस कोई फाइव ईयर प्लानिंग नहीं था और अभी भी नहीं है. Take it day by day. Right. You all didn't plan to go out anywhere and spend some time away from the work? अभी बहुत बस काम है, बहुत काम है. दो महीने के लिए अभी मेरे तीन महीने से सो रही है. लेकिन हाँ हो जाए, हो जाएगा, देखेंगे जब मेरे चार हस्बैंड से डेट मिलेगी. सो व्हाट्स द प्लान ऑफ सेलिब्रेशन इन बॉम्बे, एनी प्लान सो फार? राइट नाउ नो, राइट नाउ इट्स जस्ट वर्क वर्क. राइट. तो मतलब कल की तो बहुत मेहनत कर रही है फिल्म के ऊपर, और इसी दुआ के साथ कि फिल्म अच्छी टर्न आउट भी हो और सब लोग पसंद करें. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका.